जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि दिनांक 7 दिसंबर से कल से श्री राहुल गांधी प्रदेश के भ्रमण पर हैं। इस भ्रमण के दौरान उनकी सुरक्षा के निर्धारित मानकों के उल्लंघन होने के तथ्य सामने आए हैं, मीडिया में भी आए हैं, हम लोग की जानकारी में भी आए हैं। तो इस संबंध में मैं आपको यह अवगत कराना चाहता हूं कि पहले भी दिनांक 24 अक्टूबर 2008 को इसकी सूचना आप लोगों को पहले दी गई थी। श्री राहुल गांधी माननीय सांसद के जनपद कानपुर भ्रमण के दौरान उनके SPG प्रोटेक्टिव होने के बावजूद उनकी सुरक्षा व्यवस्था में आई कतिपय कमियों के बारे में भारत सरकार को दिनांक 26 अक्टूबर 2008 को प्रदेश सरकार ने पत्र भेजा था और उसमें पत्र भेजकर स्पष्ट किया था कि SPG प्रोटेक्टिव का स्वयं का भी यह दायित्व होता है कि वह अपने कार्यक्रम की समय से जानकारी सभी संबंधित को भिजवाए और उसमें अल्प सूचना पर कोई फेरबदल न करे, जिससे अनावश्यक रूप से कंफ्यूजन सुरक्षा एजेंसियों को न महसूस हो। इसी कॉन्टेक्स्ट में फिर दिनांक 25 सितंबर 2009 को स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने भारत सरकार के भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी को पत्र लिखकर अवगत कराया था कि भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप SPG द्वारा संरक्षित ऐसे विशिष्ट श्रेणी के महानुभावों के कार्यक्रम की समय से सूचना देना SPG का दायित्व है और समय से सूचना प्राप्त न होने पर ही राज्य सरकार प्राप्त होने पर ही राज्य सरकार द्वारा सुरक्षा संबंधी सभी व्यवस्थाएं आवश्यक दिशा निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित की जा सकेंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पत्र में यह भी स्पष्ट किया था कि इसी लेटर में कि 23 सितंबर को जब श्री राहुल गांधी जी आए थे यहाँ लखनऊ तो बिना किसी पूर्व सूचना के किंग फिशर की फ्लाइट से MOC एयरपोर्ट आ गए थे, आप सभी लोगों की जानकारी में है, और SPG कर्मियों के साथ अपने कार्यक्रम लोकेशन आदि के संबंध में प्रदेश की पुलिस अभी सूचना विभाग अथवा सुरक्षा शाखा को सूचित किए बिना गंतव्य की ओर सड़क मार्ग से प्रस्थान कर गए थे। उसके बारे में काफ़ी आप लोगों ने भी जानकारी की थी। इन सब तथ्यों के बावजूद भी माननीय सांसद श्री राहुल गांधी का दिनांक 7/12/2009 को प्रदेश के भ्रमण का क्षण प्रतिक्षण कार्यक्रम अत्यंत विलंब से दिनांक 6/12/2009 को प्राप्त हुआ और ASL एडवांस सिक्योरिटी लाइजा जो है जो बहुत महत्वपूर्ण होती है की आख्याएं और विलंब से दिनांक 6/12/2009 की रात्रि में ही उपलब्ध हो पाई। इस कारण से श्री राहुल गांधी की प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था करने में प्रदेश सरकार को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यही नहीं, श्री राहुल गांधी द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों से हटकर की गई गतिविधियों के कारण भी प्रशासन को विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। जनपद एटा भ्रमण के दौरान सड़क यात्रा के समय श्री राहुल गांधी जी द्वारा SPG एवं सुरक्षा शाखा द्वारा उपलब्ध कराई गई BR बुलेट प्रूफ कार, जिसको हम लोग पहले कहते थे, के स्थान पर पार्टी कार का उपयोग किया गया और हेलीपैड पर सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करते हुए उनके द्वारा बैरिकेड के पास जाकर जन समूह से हाथ मिलाया गया। जनपद सीतापुर में दिनांक 7/12/2009 को श्री राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर सूर्यास्त के पश्चात लगभग अंधेरे में हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर के निचले हिस्से में लगे हाई पावर लाइट के सहारे निर्धारित H मार्क जो हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए बनाया जाता है पर न उतर कर उसके बगल में उतरा। उस समय काफ़ी अंधेरा था, जैसा कि आप लोगों ने विजुअल्स भी देखे होंगे, और चारों ओर वृक्ष होने से विजिबिलिटी भी काफ़ी कम थी। उसके पश्चात श्री राहुल गांधी जी हेलीपैड से बुलेट प्रूफ कार को छोड़कर बिना बुलेट प्रूफ के एक अन्य वाहन टोयोटा फॉर्च्यूनर में बैठकर हरदोई की ओर प्रस्थान कर गए, जो सड़क मार्ग की यात्रा सुरक्षा मानकों के पूर्णतः विपरीत। इन सब परिस्थितियों में आज राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के गृह मंत्रालय को एक पत्र भेजकर यह अनुरोध किया गया है कि SPG संरक्षित महानुभाव श्री राहुल गांधी के प्रदेश भ्रमण की सूचना प्रदेश सरकार को समय से दी जाए, निर्धारित कार्यक्रम में एकाएक परिवर्तन न किया जाए एवं अपरिहार्य कारणों से परिवर्तन होने पर उसकी सूचना तत्काल
सर संबंधित को दी जाए तथा हेलीकॉप्टर और सड़क मार्ग से यात्रा के दौरान सुरक्षा के लिए जो भी निर्धारित मानक है उनका उल्लंघन कदापि न होने दिया जाए। अन्यथा यदि सुरक्षा के इन मानकों के उल्लंघन की स्थिति में यदि कोई दुर्घटना घटती है तो उसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की नहीं होगी तथा उन स्थितियों में पूरी तरह से केंद्र सरकार ही जिम्मेदार होगी। धन्यवाद। जी हाँ, उसी रिपोर्ट के आधार पर ही आज पत्र जो है वो केंद्र सरकार को भेजा गया। देखिए, ये सब केंद्र सरकार जो आप जानते हैं कि डीजीसीए जो है केंद्र सरकार में आता है, तो सारी स्थितियां जो भी थी वह गृह विभाग ने सभी पूरी स्थितियों को अपने पत्र के माध्यम से केंद्र सरकार को अवगत करा दिया है और जो भी कार्रवाई करनी है निश्चित रूप से केंद्र सरकार करेगी प्रमुख सचिव गृह के माध्यम से। धन्यवाद।